हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज की जो ये वीडियो है, ये जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने ये मिस्टेक कर दी जो मैं बताने वाली हूँ तो शायद वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सारे बच्चे जो बच्चे जून 2020 में अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है समझिए। एक्चुअली क्या था कि जब आप CSEET का एग्ज़ाम पास करके आए हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि सिंगल फॉर्म सबमिट होता था, एक ही फॉर्म सबमिट करके आप एग्जाम में बैठ जाते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यही मेरा पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव भी इस वीडियो का यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया जिनको इस बात की जानकारी ना हो कि आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। फिर दोबारा से ध्यान दीजिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो वहाँ पर सफिशेंट नहीं है। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करते हो तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे बच्चों, आपका अटेम्प्ट छूट जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और यही मेरा पर्पज़ है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रायरली हमें बतानी पड़ती है ताकि वो ऐसी मिस्टेक ना करें। तो देखिए बच्चों, जो बच्चे जून 2022 का एग्ज़ाम देंगे उनको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल आप अपने घर से ऑनलाइन फिल होता है, ये इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, आप एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है किस सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है आप किस मोड में एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर ऑल ओवर इंडिया कोई भी ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम का है और उसको समझ तो सब कुछ आता है, इंग्लिश में बाय लैंग्वेज में जब पढ़ाया जाता है समझ सब कुछ आता है, लेकिन उसे थोड़ा लिखने में दिक्कत है, तो वो हिंदी मीडियम भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको कब सिलेक्शन करना है, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे। नाउ मैम, अब आप ये भी बता दीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कब होगा ताकि हम ध्यान रखें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 25th of March। 25 मार्च आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी। 25 मार्च तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, और ये जो ओपन होता है 25 फरवरी के बाद से ही ओपन हो जाता है, लेकिन अभी ओपन नहीं है क्योंकि अभी तो जैन चल रहा है। बट मैं आपका, मेरा जो पर्पज़ है वो सिर्फ आपको इंटीमेट करना है कि किसी भी बच्चे ने अगर ये वीडियो देखी होगी तो उसको ये बात ध्यान रहेगी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल होता है। ओके, एंड 25 मार्च जो है वो लास्ट डेट होगी। इसके अलावा आगे भी टाइम होता है कुछ दिनों का, लेकिन वो पेनल्टी के साथ होता है। इट मीन्स वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस, हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा फीस दे के आप उसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन मैं तो आप सभी बच्चों से यही बात बोलूँगी कि क्यों ना आप ड्यू डेट तक ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें और अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लें कि, और उसी के साथ साथ दूसरी बात, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जानकारी जो कि आपके कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इसी चैनल पे आपको समय समय पे मिलती रहती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ आप इसी चैनल पे लगभग आपके एग्ज़ाम से पहले कुछ रिवीजन लेक्चर्स, आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, तो आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के बहुत सारे लिंक हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, आप हमारी प्रीति सिंह क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से आप प्रीति सिंह क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको और भी अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।